दोस्तों Xiaomi का MI8SE इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका जो प्रूफ है वो खुद Xiaomi के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मास्टर मनु कुमार जैन ने दिया है, क्योंकि जब Redmi Y2 लॉन्च हुआ था और जब उनसे पूछा गया कि MI8 कब आएगा तो उनका कहना था कि MI8 और MI8SE और जो Mi Band 3 है ये तीनों ही जुलाई के महीने में ही लॉन्च होने वाले हैं। और एक और बात बताऊं आपको, जो MI8SE होगा वो इंडिया के अंदर MI8i बन के लॉन्च होगा। अब आई इसलिए शायद वो इंडिया के लिए ही होगा, और MI8i क्यों, क्योंकि MI4i जो पहले के स्मार्टफोन रिलीज हुआ था उसे कहा गया था MI4 for India और जो MI8 है उसे शायद कहा जाएगा MI8 for India। और एक और सबूत बताता हूँ, अगर आप MI8SE के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे यानी कि उसके URL पे अगर आप टाइप करेंगे www.mi.com/MI8i तो आपको MI8SE का ही ऑफिशियल पेज खुलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि जो MI8SE है वो इंडिया के अंदर MI8i बन के आ जाए, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इंडिया के हिसाब से परफेक्ट है और जो प्राइस पॉइंट पे आएगा तो हो सकता है कि इंडिया में काफी ज्यादा बिक जाए। इसलिए मैं भी MI8i जो MI8SE है उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो दुनिया का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर पे चलता है और उस फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है ना वो उस प्राइस रेंज के अंदर किसी दूसरे फोन के अंदर भी नहीं मिलती। तो अगर MI8i अगर इंडिया में आता है तो काफी क्लियर फोन होगा। अगर MI8i के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 5.88 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ, और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:7:9। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ नॉच देखने को मिलेगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्राइस की रेंज के अंदर जितने भी फोन आते हैं तो उनमें नॉच नहीं आता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको एक बेजल लेस डिजाइन और एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी और नॉच देखने को मिलेगा। ये एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के ऊपर चलेगा और ये MIUI 10 के साथ ही आएगा। अगर कैमरास की बात करें तो उसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का F1.9 के अपर्चर का कैमरा मिलेगा और एक सेकेंडरी कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का, यानी कि 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा और सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 64GB स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस होगी वो चाइना के हिसाब से तो 1799 यूआन लगभग 19,000 रुपए है इंडिया के हिसाब से 4GB रैम 64GB वाले मॉडल की, और 2,000 यूआन 6GB रैम 64GB वाले मॉडल की, यानी कि लगभग 21,000 रुपए। लेकिन इंडिया में हो सकता है कि थोड़ा सा महंगा आ जाए, लेकिन अगर इंडिया के अंदर 20,000 की रेंज के अंदर ही अगर 4GB रैम 64GB वाला मॉडल अगर आ जाता है MI8i का तो ये काफी किलर चीज होगी, क्योंकि इस प्राइस के अंदर इससे बेटर फोन अवेलेबल नहीं है और ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। यानी कि अगर 25,000 तक भी किसी को अगर फोन का खरीदना है तो आज की डेट में फोन इतने अच्छे अवेलेबल है नहीं, और लोगों को रेकमेंड किया जाता है कि वो अपना बजट कम करके Redmi Note 5 Pro ले ले। लेकिन ये फोन अगर आ जाता है तो ये पहला फोन होगा इंडिया में आने वाला जो Snapdragon 710 प्रोसेसर के साथ आता है, और ये 25,000 की रेंज में भी काफी अच्छा फोन होगा। इसलिए अगर आप रिसेंटली कोई फोन खरीदना चाहते थे 20 से 25,000 रुपए के बीच में तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी वेट कर लो, क्योंकि ये फोन MI8i इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट महीने, तो शायद आपको ये फोन काफी अच्छा लगेगा। और वहीं मैं बात करूं दूसरे फोन की जो MI8 है तो वो भी काफी पॉपुलर फोन है, और जो MI8 है वो एक्चुअली डायरेक्ट कम्पीट करेगा इंडिया में जो OnePlus 6 लॉन्च हुआ है, क्योंकि जो प्राइसिंग जो है MI8 की वो चाइना में थोड़ी सी कम रखी गई है जो कि है 6GB रैम 64GB वाले मॉडल की 2700 यूआन, जो कि इंडिया के हिसाब से लगभग 28,000 रुपए के आसपास होती है। लेकिन अगर 6GB रैम 64GB वाला मॉडल 30,000 रुपए का अगर आसपास आ जाता है तो शायद से OnePlus 6 से भी अच्छा फोन हो सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी आपको 6.21 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD+ AMOLED स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 845 है, और इसके अंदर आपको डेडिकेटेड फेस अनलॉक के लिए सेंसर सीखने को मिलते हैं जैसे कि आपको iPhone 10 में देखने को मिले थे। तो इसका जो फेस अनलॉक होगा वो कहा जा रहा है ज्यादा सिक्योर होगा, पर कितना होगा इसके आने के बाद ही पता चलेगा। और ये फोन भी एंड्रॉइड 8 ओरियो के साथ चलेगा, और इस फोन के अंदर दो कैमरा से 12+12 मेगापिक्सल के, और अच्छी बात ये है कि ये DXO मार्क जो रेटिंग होती है उसके अंदर इसका जो कैमरा है वो गूगल के पिक्सल और आईफोन 10 से भी बेटर है, तो ये भी एक चीज टेस्ट करने वाली होगी। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा तब देखना है कि ये OnePlus 6 के सामने कैसा टिकता है। अगर ये OnePlus 6 को अगर हरा देता है हर मामले में और उससे कम प्राइस में आता है ना तो सच में एक किलर फोन होगा। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 से 30,000 रुपए अगर इसकी कीमत हो जाए MI8 की, तो ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि Xiaomi के जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होते हैं थोड़े से महंगी साइड पे आते हैं और इनका सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च होता है। तो हो सकता है कि जो MI8 जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसकी कीमत लगभग 30 से 35,000 ही हो और उसका सिर्फ एक ही मॉडल है 6GB रैम 64GB वाला, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो दोस्तों आप बताओ नीचे कमेंट में कि आप वेट करोगे और लोगे MI8i को, या फिर सीधे लोगे फ्लैगशिप फोन MI8 को, या फिर आप और ज्यादा वेट करोगे और MI8u को खरीदोगे जो कि 15 से 20,000 की रेंज में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।